तो देखिए हम चूंकि उस जहाज पर थे, एक समय मैं उस जहाज को छोड़कर चला आया और वो जहाज डूब क्यों रहा है? कैप्टन की गलती से और कैप्टन का अहंकार से। जिसकी जितनी सोच, मैंने आपको उदाहरण दिया कि ही माननीय मुख्यमंत्री 2006 में इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद माले की मीटिंग करवा दी दानी मैदान में, जो लोग आए उनको पानी पीने की व्यवस्था करा दी, और यही क्या किया जी, इस यहाँ पर परमिशन इन लोगों ने दिया। छोटी छोटी सोच, ये सिर्फ मुखिया को तंग करना, किसी को केस में फंसा देना, किसी जांच करा देना, इसके आधार पर आप जो राजनीति करते हैं ना, उनकी दुकान सब बंद होने वाली है। नमस्कार, मैं हूँ काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मुंगेर में मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा है और समाधान यात्रा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी तीनों जो पार्टी है वो अपने में ही लड़ रही है। आपको बता दें कि ये बात जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने हवेली खड़गपुर प्रखंड स्थित खंड बिहारी स्कूल मैदान में बदलो बिहार आम सभा में कही है और मुख्यमंत्री पर जो है जमकर निशाना साधा और साफ तौर पे कहते हुए नजर आए हैं कि समाधान यात्रा कुछ नहीं है, महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस तीनों खुद में ही लड़ रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं आरसीपी सिंह, पहले आप वो सुने। ये हम थोड़े तय करते हैं जी, बिहार का नेतृत्व कौन करता है वो तो बिहार की जनता तय करती है। सर एक सवाल बोलिए। डूब चुका है। अब देखिए होता क्या है, जब समुद्र में जहाज रहता है ना, तो कोई जहाज कोई डूबने लगता है ना तो ये सोच करता तो दूसरा जहाज आकर उसको रेस्क्यू करता है। यहाँ तो जितना बाहर का बगल में जहाज है कोई वहां जाना नहीं चाह रहा है, जाएंगे तो वो भी डूब जाएंगे। तो देखिए हम चूंकि उस जहाज पर थे, एक समय मैं उस जहाज को छोड़कर चला आया और वो जहाज डूब क्यों रहा है? कैप्टन की गलती से और कैप्टन का अहंकार से। और हमको चिंता किसकी है, जो उसमें बेचारे यात्री फंसे, ज्यादा दिन तक उसमें रहेंगे तो बेचारे कुछ पता भी नहीं चले कहाँ चले। लेकिन देखिए आपने कहा ना कि क्या रास्ता, रास्ता तो हमेशा निकलता है, ये परिवर्तन तो हमेशा चलते रहता है, विकल्प हमेशा रहता है। और एक बात जो आपने कहा आप कहाँ जाएंगे, तो मैं कम से कम महागठबंधन में तो नहीं जाऊंगा, इतना तो स्पष्ट है। चलिए करके देखिए होता क्या है ना कि आप किस चीज़ का इम्पोर्टेंस, गांव में किस बच्चे को इम्पोर्टेंस देते हैं, स्कूल में किस बच्चे को इम्पोर्टेंस देते हैं, समाज में किसको आप इज्जत देते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि हम लोगों को सरकारी चीज़ों के साथ साथ जो हमारे उन क्षेत्रों में जहाँ से रोजगार सृजित हो सकता है, जहाँ से लोगों को काम हो सकता है, उस पर कैसे ध्यान दिया जाए, लोगों के मन में उस बात को कैसे बैठाया जाए, ये बदलाव करना बहुत जरूरी है। तो ये कार्यक्रम हम समाधान नहीं जी जी हमारा हाँ। देखिए अभी मैंने देखा, आपने बताया होगा, मैंने कृषि पर जी बहुत बेहतर तरीके से देखिए, आपने देखा कृषि, देखिए कृषि में आज क्या हाल है जी, किसान लोग परेशान तो है ही, अपनी धरती माता ऊसर हो चुकी, बंजर हो चुकी है। पिछले साल जितना किसान हमारे यूरिया डीएपी डाले थे, मिक्सचर डाले थे, उससे ज्यादा उनको डालना पड़ रहा है। उर्वरा शक्ति पेस्टिसाइड जितना प्रयोग हो रहा है, सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट पंजाब में है, उसके बाद बिहार। तो मैंने इसलिए कहा कि जो तीनों तरह खेती है, ट्रेडिशनल खेती, ऑर्गेनिक खेती और जो हमारा नेचुरल खेती, तो हम लोग को नेचुरल खेती की तरफ जाना है। आप देखिए आप हिमाचल प्रदेश को ले लीजिए, आंध्र प्रदेश को ले लीजिए, तेलंगाना को ले लीजिए, गुजरात को ले लीजिए, तमिलनाडु को ले लीजिए, उड़ीसा को ले लीजिए, वहाँ किसान इस पर काम करना शुरू कर। हम लोग बिहार में भी इसको फोकस करना है और बहुत सिंपल है, इससे बढ़िया और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और किसान अगर इस पर फोकस करना शुरू करेंगे, आपने देखा होगा पिछले दो बजट में भारत सरकार ने जीरो बजट फार्मिंग, यही है कम लागत की खेती बिना लागत की, अगर जब उसमें किसानों का बचत हो तो निश्चित रूप से उसका आमदनी बढ़ेगी। दूसरा मैंने जो कहा जो मनरेगा है जी, आज मनरेगा को क्या लक्ष्य था, लूट का साधन, फर्जी मस्टर रोल का साधन, करना कुछ नहीं है। जो मनरेगा में अनुमन्य कार्य है उसमें भी निजी जमीन पर कृषि कार्य हेतु अनुमन्य, अभी तक हॉर्टिकल्चर तो मिल रहा है लेकिन एग्रीकल्चर तो नहीं मिल रहा, उससे फायदा क्या हो कि जो किसान का हमारा वो मनरेगा से मिल जाएगा, तो हमारा नेशनल एवरेज मैंडेट है जो कम है आज भी बढ़ेगा और साथ ही साथ पैसे का दुरुपयोग रहेगा। तो देखिएगा कितना फायदा होगा किसान को, नेचुरल खेती में उनका फर्टिलाइजर पर, केमिकल पेस्टिसाइड पर बचत हो गई, हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति आ जाएगी, हमारा जो भी उपज होगा वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, और मनरेगा का जो ट्रैकिंग हो जाएगी
तो उनका मजदूरी का पैसा बचेगा, तो खेती जो है एक लाभ का पैसा हो जाएगा। और हमारे बिहार में जो ज़्यादातर किसान है इससे इनको फायदा होगा। और खेती जब अच्छी होगी तो जिस बात की मैं बात कर रहा हूँ उद्यमी का, तो हमारे बहुत सारे जो हमारे किसान के ही बच्चे हैं, लड़के हैं और भी जो भी साथी हैं, इसमें उद्योग भी लगाएंगे। सर मेरा एक देखिए देखिए एक मिनट लेकिन देखिए जिसकी जितनी सोच, मैंने आपको उदाहरण दिया कि ही माननीय मुख्यमंत्री 2006 में इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद माले की मीटिंग करवा दी दानी मैदान में, जो लोग आए उनको पानी पीने की व्यवस्था करा दी। और यहीं क्या किया जी, इस यहाँ पर परमिशन इन लोगों को नहीं दिया, पानी पीना तो छोड़ दीजिए। देखिए आपको सोच बड़ी रखनी पड़ेगी, आप सोच बड़ा रखिएगा तो बड़ा बनिएगा। छोटी छोटी सोच, ये सिर्फ मुखिया को तंग करना, किसी को केस में फंसा देना, किसी जांच करा देना, इसके आधार पर आप जो राजनीति करते हैं ना, उनकी दुकान सब बंद होने वाली है। सर मैंने बताया ना, वो क्या कर रहे हैं कि पटना में रहेंगे तो सब उनको दबाव डालेगा, तो भागे रहो। अब वहाँ भागे, यहाँ जनता से मिलते नहीं। अब बताइए समाधान यात्रा में जाना, जनता से भेंट नहीं करेंगे, MLMP से भेंट नहीं करेंगे, तो क्या समाधान यात्रा में जा रहे हैं? ये होता है दिन कट्टू यात्रा, जो है ना दिन कट्टू यात्रा है, दिन काटते रहिए। बिहार कितना नुकसान हो रहा है जी, आपको बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था 2025 तक सरकार चलाइए, बिहार को विकसित प्रदेश बनाइए और अपना दिन काट रहे हैं। आपने पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह को सुना, जिनका कहना है कि बिहार में सरकार ठीक से नहीं चल रही है, और साफ तौर पे कहते हुए नजर आए हैं कि आम लोगों के लिए सरकार की विश्वसनीयता जो है वो खत्म हो गई है। और यह भी कहते हुए नजर आए हैं कि बिहार में जो शराब बंदी कानून तो बस नाम के लिए लागू है, शराब सही में बंद नहीं है, वास्तव में शराब बंदी कानून नहीं लागू है। और स्कूल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बना दी जाती है लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं होता है, शिक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी चरमरा गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि भू और बालू तस्करों का भी मनोबल बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें कि उनका जवाब है कि आगामी चुनाव पैच। वहीं उन्होंने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उन्होंने कहा कि जनता इसका जवाब आगामी चुनाव में देगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किसानों के प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रेरित किया है और प्राकृतिक खाद तैयार करने के तरीके भी बताए हैं। बता दें कि RCP सिंह जो है मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा, साथ ही उनके समाधान यात्रा पर भी कटाक्ष करते हुए दिखे और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कांग्रेस RJD और जदयू तीनों खुद में ही लड़ रही है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।